हायर एजुकेशन कमीशन ने तालीमी इदारे रजिस्टर्ड न होने की वजह से मजीद 10 अराकीन असेंबली और सेनेटर्स की डिग्रियां मुस्तरद कर दी। आए रोज किसी न किसी डिग्री को बोगस करार दिया जा रहा है। इस दौड़ में कौन सी जमात कहां खड़ी है और खवातीन में से किन का नाम अभी तक सामने आया है, ये सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियासतदानों को हमेशा गिला रहा है कि असेंबलियों को चलने नहीं दिया गया, लेकिन इस बार उनकी जाली डिग्रियां ही उनकी सीटों पर हाथ साफ कर रही हैं। ऑपोजिशन हो या सरकार, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के साथ साथ जाली डिग्रियों में भी स्कोर बोर्ड भरा पड़ा है। ताजा केसों में जिन अरकान असेंबली और सेनेटर्स की डिग्रियां मुस्तरद की गई हैं, इनमें बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग काफ की एमपीए रूबीना इरफान और परवीन कादिर मक्सी, वफाकी वजीर पोस्टल सर्विस सेनेटर इसरारुल्लाह जहरी, वफाकी वजीर लाइफ स्टॉक हुमायूं अजीज कुर्द और एमएनए मजहर हयात शामिल हैं, जिनके यूनिवर्सिटीज एचईसी से रजिस्टर्ड नहीं थी, जबकि जेयूआई के एमपीए अब्दुल समद आजाद, एमपीए अब्दुल कयूम खान, मुस्लिम लीग नून के एमएनए सईद जावेद हुसैन, एमएमए के एमपीए गुलिस्तान खान और मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर मीर मोहम्मद वली बादीनी इन अरकान में शामिल हैं, जिनकी डिग्रियां गैर रजिस्टर्ड मदरसों की वजह से मुस्तरद कर दी गई हैं। जाली डिग्रियों की इस दौड़ में मुस्लिम लीग नून 15 अरकान के साथ पहले नंबर पर है, पीपल्स पार्टी 8 अरकान के साथ दूसरी पोजीशन पर खड़ी है, मुस्लिम लीग काफ का तीसरा नंबर है, जिसके 7 अरकान ने ये कारनामा अंजाम दिया। जेयूआई के 2 और 2 ही आजाद अरकान असेंबली की डिग्रियां जाली निकली हैं, जबकि बीएनपी मुस्लिम लीग फंक्शनल और बीएनपी अवामी वो जमाते हैं जिनके एक एक रुकन ने पार्टियों की जगहंसाई कराई। इस कहानी का एक खुशगवार पहलू ये है कि इसमें मुतहदा कौमी मूवमेंट का जिक्र नहीं और अब तक किस जमात के किसी रुकन की डिग्री जाली नहीं निकली। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज की जानिब से डिग्रियों के पोस्टमार्टम का काम जोरों पर है। अंदेशा है कि अन करीब इस कूचे से कुछ और नाम भी बेआबरू होकर निकलेंगे। जाली डिग्रियों की दौड़ में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना हैं। मुस्लिम लीग काफ की समीना खावर हयात, रुबीना इरफान और परवीन कादर मक्सी, जबकि पीपी की सफीना सायमा खर की डिग्रियां मुस्तरद कर दी गई हैं। खदशा है कि और खवातीन भी इसका शिकार हो सकती हैं। यूनिवर्सिटीज इस मर्ज की तशखीस आइंदा चंद दिन में कर लेगी। जाली डिग्रियों के किस्तवार खेल को देखकर वो अरकान असेंबली जरूर दाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने थर्ड डिवीजन में ही सही पर डिग्री तो पास कर ली, जबकि जाली डिग्री वालों को भी हाथ नहीं मलने चाहिए, क्योंकि इस 2 नंबर डिग्री ने उन्हें 2.5 साल तक असेंबली में आने और डेस्क बजाने का मौका फराहम किए रखा।